महेश इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। जल्द ही मुमरा कौसा में अब एक्सरे द्वारा कोरोना की जांच की जाएगी, वो भी मात्र 450 रुपये में, जिस तरह से कलवा में किया जा रहा है। एक्सरे द्वारा जांच की सुविधा मुमरा में भी 4 से 5 दिन में शुरू हो जाएगी, जिसकी कीमत 450 रुपये होगी, ऐसा जानकारी नगर सेवक शानू पठान ने दी है। क्योंकि मुमरा में कोरोना जाँच के सेंटर नहीं है, लोगों को इसके लिए काफ़ी परेशानियों का सामना उठाना पड़ता है। आपको बता दें कि मुमरा में बिना कोरोना जांच के अस्पतालों में भर्ती नहीं किया जा रहा था, मगर अब गर्भवती महिलाओं को अस्पताल में बिना कोरोना जांच के भर्ती किया जाएगा। मनपा का ये आदेश है, अगर गर्भवती महिला को कोरोना के कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आ रहे हैं तो उसे अस्पतालों में बिना कोरोना जांच के भर्ती किया जाएगा। साथ ही आपको बता दें कि मुमरा शहर में एम्बुलेंस की भी काफ़ी समस्या है, लोगों को ज़रूरत पड़ने पर उन्हें एम्बुलेंस मुहैया नहीं हो पाती है। मगर अब आपको फ्री में एम्बुलेंस सेवा चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए और स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर एम्बुलेंस के लिए संपर्क कर सकते हैं। और मुमरा में 450 रुपये में एक्सरे द्वारा जाँच की जाएगी, इसके बारे में शानू पठान ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। शानू भाई, कलवा में जिस तरह से नरेंद्र पाटिल नगर सेवक ने जो शुरुआत किए है, आवार साहब ने भी शुरुआत की आपकी ही पार्टी के, 450 रुपये में एक्सरे के जरिए कोविड-19 का टेस्ट किया जा रहा है, तो फिर ऐसे मुमरा में क्यों नहीं जो है इस तरह के जो है फैसिलिटी उपलब्ध कराई जाती है? देखिए, ऐसा है ना कि मुमरा में की नहीं जाती, कलवा में की जाती, उसका ये मामले से कोई लेना देना नहीं। एक आवाज साहब की कॉन्स्टिटेंसी, आवाज साहब ने और कावेरी दाई फाउंडेशन ने उसकी कलवा के अंदर शुरुआत की है। अब मैं आवाज साहब से इस बात पे कंटिन्यू कल से 2 दिन से बात चल रही है, आने वाले 1 हफ्ते के अंदर मुमरा कौसा के अंदर भी हम ये सुविधा शुरू करने की हमारी तैयारी है और बहुत जल्द हम ये मुमरा कौसा के अंदर सुविधा चालू करेंगे, जिसके माध्यम से 450 रुपये के अंदर हम वो टेस्ट मुमरा कौसा की आवाम के लिए शुरू करेंगे। और हम लोग को जरूरत पड़ेगी तो हम अभी भी मुमरा से कई लोगों का कलवा के अंदर टेस्ट करा रहे हैं, आपकी जानकारी के लिए बता। लेकिन आने वाले 8 दिन के अंदर माननीय गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाज से चर्चा हो चुकी है, मुमरा के अंदर बहुत जल्द ये सुविधा शुरू होगी। और आपके सानू भाई, और ये एक बात है, जो गर्भवती महिलाएं हैं तो उनको भी हॉस्पिटल में एडमिट के पहले जो है टेस्ट के लिए कहा जाता है, और ऐसा मुमरा में भी कोरोना टेस्ट सेंटर अभी तक है भी नहीं, तो ऐसे महिलाओं को काफी गर्भवती प्रेग्नेंट लेडियों के लिए पहले का नियम था, लेकिन कानून नियम आ चुका है, थाने महानगर पालिका ने भी बोल दिया है कि कोविड प्रेग्नेंट औरत के लिए अगर उनको तकलीफ नहीं है और अगर वो सिम्टम्स नहीं है तो उनको टेस्ट की जरूरत नहीं है। मुमरा कौसा के अंदर कोई भी डॉक्टर आपको परेशान करता है और अगर कोविड का टेस्ट करने बोलता है प्रेग्नेंट औरत को, तो वो तुरंत मुझसे संपर्क करे, मेरे कार्यालय से संपर्क करे, हम स्ट्रिक्टली उस पर कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कोविड के प्रेग्नेंट औरत को टेस्ट की जरूरत नहीं है अगर वो बीमार नहीं है, ये मैं आपके माध्यम से बोलता हूं। और अगर हॉस्पिटलों की भी जहां तक शिकायत मिल रही है, कई लोगों को हम हमारी एम्बुलेंस में तुरंत भर्ती करा रहे, ऐसे पेशेंट लोग जो भटक रहे और जिनको एडमिशन की तकलीफ होती है वो भी हमसे कॉन्टेक्ट करे, इंशाल्लाह ताला हमारे पास थाने महानगर पालिका के अंदर कई ऐसे हॉस्पिटल है जिनको हम इमरजेंसी के अंदर लोगों को एडमिट कराते हैं और करा रहे हैं, लेकिन कई लोग हमारे तक पहुंच नहीं पाते, शायद हमारा मोबाइल रात को स्विच ऑफ रहता है 2 बजे के बाद, फिर या तो नॉट रिचेबल में रहता है या तो कहीं हम दूसरे काम में रहते तो फोन नहीं उठा पाते। इसीलिए आपके माध्यम से मैं ये मुमरा कौसा की आवाम को जानकारी दे रहा हूँ कि गृह निर्माण मंत्री डॉक्टर जितेंद्र आवाज साहब का स्ट्रिक्टली आदेश है कि हॉस्पिटल अगर एडमिट नहीं करेगा तो कार्रवाई करेंगे, लेकिन हमने एक सिस्टम बनाया, अगर आपको अगर एडमिट नहीं करते तो हमको आप संपर्क करिए। फिलहाल तो हमारे को एडमिट कराने के लिए ये प्रक्रिया होना ही नहीं चाहिए कि कोई पॉलिटिशियन के बात लुक जाए, फिर भी हमारा ये फर्ज है, कोई हम एहसान नहीं कर रहे, हमारा फर्ज है, लोग हम तक आके कॉन्टेक्ट करेंगे, संपर्क करेंगे, हम उनको एडमिट कराएंगे। मैं आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूँ, रोज 2-3 पेशेंट को हम एडमिट करा रहे, चाहे शिवाजी हो, सिविल हो, कालसेकर हो, बेतनी हो, हर जगह। तो इसीलिए लोगों को अगर तकलीफ होती है तो हमसे कॉन्टेक्ट करें, हम उनको ना ही उन पर एहसान करें, हमारा फर्ज है, हम हमारा फर्ज अदा करें। जिस तरह से मुमरा में और भी संस्थाएं हैं एम्बुलेंस चला रही हैं, तो आपकी जो ट्रस्ट है उसके तरफ से या आपकी पार्टी की तरफ से एम्बुलेंस की क्या सेवाएं हैं, और लोगों को काफी तकलीफ हो रही है एम्बुलेंस के लिए, तो आपकी तरफ से कोई ऐसा नंबर वगैरह है जो जारी
हो जो लोग देखिए संपर्क कर देखिए इस्लामुद्दीन भाई, सुल्ताना वेलफेयर ट्रस्ट और संघर्ष की जो व्हाट्सएप और मैंने लाए वो फ्री सर्विस कई सालों से दे रही और फरीद भाई की भी एम्बुलेंस दे रही है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं वो हमारे ऑफिस से कांटेक्ट करे पूरे थाना के अंदर, हम उनको फ्री सर्विस देते हैं। डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब और मेरी संस्था की ओर से फ्री एम्बुलेंस पूरे थाना के अंदर हमेशा चल रही है। एक दिन में 4-4 पेशेंट को लाती है और छोड़ती है, क्वारंटाइन सेंटर हॉस्पिटल जहाँ भी जरूरत है। तो आपके माध्यम से मैं प्रहार टाइम के माध्यम से ये भी बोलना चाहता हूँ कि जिन लोगों को एम्बुलेंस की फ्री सर्विस चाहिए हमने उनके लिए हमारे आपको तौफीक शेख का मोबाइल नंबर डाल दीजिए, वहाँ पे कॉन्टेक्ट करें आपको फ्री सर्विस मिल जाएगी। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।